नमस्कार मित्रों, एक नए वीडियो में फिर स्वागत करता हूँ। राम मंदिर से जोड़ने वाली सभी सड़कों की चौड़ीकरण की जाएंगी। देख सकते हैं इसमें दुकानें यहाँ की बंद हैं। वीडियो प्लीज़ लास्ट तक बनिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। देख सकते हैं ये सब यहाँ का रास्ता देख सकते हैं काफ़ी सकरा है, तो इसको चौड़ीकरण किया जाएगा। तो चलिए आगे वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अयोध्या राम मंदिर तक श्रद्धालुओं और पर्यटकों को पहुँचाने वाली सड़कों को बनाने की कवायद तेज हो गई हैं। देखिए आपको स्क्रीन शॉट लगा यहाँ पढ़ सकते हैं इसके बारे में। राजस्व विभाग एलईडीटी पीडब्ल्यूडी सहित अन्य कार्यदायी विभागों ने गुरुवार को सड़कों की नाप जोख की है। अयोध्या शहादतगंज मार्ग पर पहले दिन 1 किमी सड़क की नाप हुई। सड़क के दोनों ओर 12 मीटर तक स्थान को चिन्हित किया गया है। दूसरी ओर सूरी किला के राम मंदिर तक जाने वाली सड़क के लिए भी नाप जोख हुई है। आपको बताना चाहेंगे सब दुकानें आप देख सकते हैं कि बंद यहाँ पे हैं। यहाँ के जो व्यापारी हैं वो विरोध कर रहे हैं कि यहाँ का रूट चौड़ीकरण ना हो सके, तो कि जो गवर्नमेंट का भाई जो नियम आ गया उसके रिकॉर्डिंग तो चौड़ीकरण तो होगा ही। देख सकते हैं यहाँ की दुकानें भी लगभग एक ही कलर में है, आप येलो कलर देख सकते हैं किया गया है। इसी से सिलसिले से दुकानें 1-2 दिन तक बंद की गई हैं यहाँ के, आप देख सकते हैं। और चलिए आपको और आगे की जानकारी देते हैं। यहाँ भी सड़क का दोनों ओर नाप जोख की गई। इस सड़क पर निर्माण बहुत जल्द शुरू होना है। अयोध्या को विस्तारीकरण पर्यटन सुविधाओं से लेंस किए जाने के लिए प्रथम चरण में राम मंदिर से जोड़ने वाले प्रमुख मार्गों को बनाने जाने की तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री ने राम मंदिर को जोड़ने वाले 3 प्रमुख सड़कों के अवलंबी बनाए जाने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में गुरुवार को शहादतगंज अयोध्या मार्ग सुगरी किला राम जन्मभूमि मार्ग को बनाने के लिए राजस्व एलईडीटी का लोक निर्माण विभाग की टीम ने सड़क की चौड़ाई की नाप जोख की है। शहादतगंज नया घाट सड़के की प्रथम चरण में अयोध्या गेट से लेकर नया घाट तक भी सड़क की नाप जोख हुई है। सड़के के बीच से दोनों ओर 12 मीटर तक के स्थान को चिन्हित किया गया है। टेढ़ी बाजार से 1 किलोमीटर तक सड़क की चौड़ाई की नाप जोख की गई है। अब इसी के आधार पर लोगों का मुआवजा तय होगा। दूसरी सुकरी किला से राम मंदिर तक की सड़क का भी सर्वे हुआ है। यह सड़क भी 24 मीटर चौड़ी बनाई जानी है। इसमें रास्ते में पड़ने वाले दुकानदारों को भी नापजोक हुई है। इस सड़क पर इलेक्ट्रिक बसें चलनी हैं, साथ ही इस सड़क का निर्माण सबसे पहले होना है। इसी लगभग पूरा इलाकों का नापजोक किया गया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के अयोध्या में सड़कों को चौड़ीकरण की योजना के विरोध में अयोध्या के व्यापारियों ने बाजार बंद कर विरोध दर्ज कराया है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ यात्रियों की सुविधाओं को लेकर कई योजना प्रस्तावित की गई हैं। इस योजना में अयोध्या के प्रमुख मार्गों के चौड़ीकरण योजना है। इसको लेकर शासन प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। अयोध्या के नया घाट क्षेत्र में से टेढ़ी देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस प्रशासन लगी हुई है, दिखा रहा हूँ आपको। सड़क को चौड़ीकरण में सैकड़ों संख्या में व्यापारियों का व्यापार प्रभावित हो रहा है, जिसके कारण व्यापारी इस योजना का विरोध कर रहे हैं। इस योजना के विरोध में अयोध्या के व्यापारियों ने बाजार बंदी का ऐलान किया है, जिसको लेकर सभी दुकानें बंद हैं। अयोध्या आने वाली तीर्थयात्रियों को न ही प्रसाद उपलब्ध हो पा रहा है और न ही कहीं अन्य कोई सामग्री खरीद पा रहे हैं। अयोध्या शहर के अंदर मुख्य मार्ग को 4 लेन और हनुमानगढ़ी के राम जन्मभूमि परिसर पर 2 लेन बनाए जाने की योजना है, जिसके कारण सैकड़ों संख्या में व्यापारियों का दुकान और व्यापार समाप्त हो रहा है। शासन प्रशासन व्यापारियों की सुविधा को नज़रअंदाज कर रहे हैं, जिसके कारण आज सभी व्यापारी सरकार की इस योजना का विरोध कर रहे हैं। व्यापारियों की मांग की सरकार की इस योजना में विस्थापित हो रहे व्यापारियों को स्थापित किया जाए, उसके बाद ही शासन प्रशासन व्यापारियों को स्थापित किए जाने को लेकर कोई योजना नहीं बनाई जा रही है। अनिश्चितकालीन बंदी होगी। देख सकते हैं यहाँ का रोड बन जाएगा तो काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। वैसे भी देख सकते हैं यहाँ का रोड भी काफ़ी साफ़ सुथरा है, देख सकते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं रोड गाड़ियाँ भी देख सकते हैं रोड पे ही लगाए हैं, जिस वजह से आप देख सकते हैं। राइट करके दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि यहाँ के जो व्यापारियों में काफ़ी विरोध कर रहे हैं, जो कि उनकी दुकानें भी थोड़ी लग रहा लगभग जा रही हैं, इसलिए वो ऐसा करें कि उसे हो सकता है कि मुआवजा भी दिया जाए हम लोग को।
अभी देखिए यहाँ का देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया पार्क है, आप देख सकते हैं इधर घंटाघर देख सकते हैं इधर। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और नेगेटिव कमेंट ना किया करिएगा, आपसे ये अनुरोध करना चाहूँगा, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। वीडियो अपनी राय जरूर दीजिएगा, वीडियो कैसी लगी ये बात जरूर बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। देख सकते हैं यहाँ का माहौल, और काफ़ी दुकानें बंद है, आप देख ही सकते हैं जिस प्रकार से लोग का विरोध कर रहे हैं व्यापारी लोग यहाँ के, देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पे भी ऑटो वगैरह चल रहा है, आप देख सकते हैं रिक्शा हो गया, बैटरी वगैरह दो पहिया वाहन हो गए सभी, जैसे कि यहाँ पे बनारस चलते हैं हिसाब से यहाँ पे भी चल रहा है, क्योंकि अयोध्या में जितनी भी सड़कें आ रही हैं उसका चौड़ीकरण किया जाएगा। मैं अयोध्या रेलवे स्टेशन की वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, अगर आप लोग नहीं देखे तो जाके देखिएगा। मैं सोचा कि आप लोग देखिए यहाँ पे भी LED स्क्रीन लगाई गई है, देखिए सामने दिखाता हूँ, देखिए रेड कलर की LED स्क्रीन लगाई गई है यहाँ पे भी, देख सकते हैं आप, ये देखिए यहाँ पे रोड चौड़ीकरण काज स्टार्ट हो चुका है, दिखा रहा हूँ अभी, देखिए आपको गिट्टी वगैरह डाला गया है अभी। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं, उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हम कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा।